Shampoo. अलग अलग शहरों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मुंबई के शाहीन बाग में भी महिलाओं की भीड़ रोजाना की अपेक्षा कम देखने को मिली। इंडिया टीवी संवाददाता ने एक रिपोर्ट के जरिए बताया कि अब कितनी महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। दिनेश मौर्य की यह रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमें नागपाड़ा के मुंबई बाग में और यहाँ पर आज की क्या स्थिति हम आपको बताएंगे। आज 41वां दिन और यहाँ पर जो आमतौर पर ये जो पूरा रोड है वो महिलाओं से भरा रहता है, लेकिन आज की स्थिति पूरी तरह से अलग नजर आ रही है। तीन हिस्सों में बटा हुआ करीब 500 मीटर का ये इलाका है जहाँ पर जो है ये महिलाएं बैठी रहती है। मैं आपको एक एक कोना कोना दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर जो है आज के हालात बने हुए हैं। आमतौर पर महिलाओं से भीड़ भाड़ भरा रहने वाला ये जगह देखिए। आज ये पूरा रोड फेसिंग इलाका है, पूरी तरह से एम्प्टी यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन जरूर कोने में कुछ महिलाएं जो है वो यहाँ पर बैठी हुई छतरियां लगाए हुए। साथ ही में दूसरा हिस्सा भी मैं आपको लेके चलूंगा यहाँ पर, देखिए किस तरह से यहाँ पर ये महिलाएं बैठी है। जो तीसरा हिस्सा है वहां पर हम आपको लेके चलते, वहां के क्या हालात है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते। यहाँ पर जो है सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। हम आपको एक आंकड़ा बताने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से जो शुरू हुआ था वो अब यहाँ पर किस तरह से जो है महिलाएं दोनों तरफ जो है करीब 100 से ज़्यादा महिलाएं जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इनका देखिए जो है लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। आंकड़ों के जरिए हम जो है इस पूरे जगह को दिखाने की कोशिश करते हैं, साथ ही में महिलाओं की काउंटिंग कितनी है वो भी एक बार हम करने की कोशिश करते हैं। ये जो पोर्शन है यहाँ पर देखिए, करीब यहाँ पर जो है करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से यहाँ पर जो है ये तमाम महिलाएं हैं जो सरकार के खिलाफ यहाँ पर जो है नारेबाजी कर रही हैं। इसका तीसरा और अंतिम पोर्शन जो है वो पीछे मराठा मंदिर की तरफ से आने वाला रास्ता है वो एंड भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि जहाँ पर जो है महिलाएं यहाँ पर जो है आई हुई हैं। यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर जो है फिलहाल सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी हो रही है। कुल मिलाकर जो है ये भी पोर्शन जो है पूरी तरह से यहाँ पर खाली नजर आ रहा है। एक बड़ा आरोप लग रहा है कि पहले जो जोश था शाहीन बाग में अब वो नहीं रहा, बस कम हो रहे महिलाओं की। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी लेडीज आती है, बल्कि मतलब जितनी थी उतनी ही है, मतलब लोग आते जाते रहते हैं, सब अपने टाइम के हिसाब से आते हैं। हम लेडीज है तो हमारे को काम होता है, हमें घर स्कूल रहती है, कॉलेज रहते हैं, बच्चों को संभालना, शोहर को देखना, घर का काम, इतना सब कुछ छोड़कर लेडीज आती है। ये सरकार को सोचने की बात है, धूप में बैठी है, ना हमें शेड है, ना मेगाफोन है, हमारे गले फट गया, आप लोग को वो नजर नहीं आता है। आपको ये सब नजर आता है कि हम लोग ये इलीगल कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये परेशानी समझ में नहीं आती आप लोगों को। लोगों में जो है साफ तौर पे गुस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको पूरा हिस्सा जो है वो हिस्सा यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो महिलाएं, इनका कहना है कि वो अपने आंदोलन को लेके जो है लगातार जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत हम आपको इन दृश्यों के जरिए दिखा रहे हैं। हकीकत ये है, ये पूरा प्रीमाइसिस है जहाँ पर जो है पहले जो भीड़ थी अब वो पूरी तरह से नजर नहीं आ रही। तो कुल मिला के हमने आपको यहाँ की लाइव स्थिति दिखाई है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, इंडिया टीवी।